और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइज आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी फॉरएवर लिविंग का एलोवेरा जेली का। गाइज ये प्रोडक्ट जो है केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, इसमें किसी तरह का केमिकल का यूज़ नहीं किया गया है। इसमें 85% जो है एलोवेरा जेल है, उसके बाद ग्लिसरिन है, इसमें सिट्रिक एसिड का भी यूज किया गया है। 118 ml का प्रोडक्ट है, 980 rupees अप्रॉक्स इसका MRP है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो ऑनलाइन में जो है अप्रॉक्स 500 rupees में मिल जाता है। तो गाइज ये मल्टी एक्शन एलोवेरा जेल जेली है, इसका बहुत सारे बेनिफिट्स है। ये जेल को जो है बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक लगा सकते हैं, साथ ही इसको आप फर्स्ट एड की तरफ भी आप यूज कर सकते हो। आगे मैं इसके बारे में बताऊंगी। ये एलोवेरा जेली जो है जेल फॉर्म में आता है, अच्छे से स्किन पर पेनिट्रेट हो जाता है। स्टार्टिंग में स्किन पर लगाते समय चिपचिपा फील हो सकता है, थोड़ी देर के बाद स्किन पर अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है। तो गाइज ये जेल को जो है आप एज अ एंटीसेप्टिक क्रीम की तरफ भी यूज कर सकते हो। अगर आपके स्किन पर रैसेस हो गए हैं, कई बार बच्चों को रैसेस हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। अगर आपके फेस पर पिंपल्स हो गए हैं, डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, उसके लिए भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये। ये स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस रखता है, स्किन पर मॉइस्चराइजिंग बनाए रखता है, स्किन को ड्राई नहीं होने देता है, इससे पहले रिंकल फाइनलेंस नहीं होने देता है। स्किन अगर आपके स्किन पर सनबर्न हो गया हो, स्किन डार्क हो गई हो, उसको भी रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करता है। अगर आपके चेहरे पर डार्क स्पॉट्स है, पिंपल मार्क्स है, उसको भी रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो गाइज अगर आपको कहीं पर खुजली आ रही हो, रैसेस हो गए हो, उसके ऊपर भी आप इसे लगा सकते हो। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, ओवर सेंसिटिव स्किन है, हर कोई प्रोडक्ट जो आपको सूट नहीं करता है, तब भी आप ये एलोवेरा जेली को आप यूज कर सकते हो। अगर आपके स्किन पर कट लग गया हो, कहीं पर छिल गया हो, जल गया हो, उसके ऊपर भी आप एज ए एंटीसेप्टिक क्रीम की तरह आप इसे लगा सकते हो। मेकअप करने से पहले एज ए प्राइमर की तरह भी आप इसे यूज कर सकते हो। स्किन पर जो है प्रोटेक्ट लेयर बना कर रखती है, तो साथ ही हेयर में भी आप यूज कर सकते हो। गाइज अगर आप फेस पर यूज़ करते हो तो आप दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हो, मॉर्निंग एंड नाइट में, या फिर एज अ नाइट क्रीम की तरह भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लगती है, मटर के दाने बराबर मात्रा से ही आपको हो जाता है, पूरे फेस पे अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। तो गाइज रेगुलर यूज़ करने से स्किन जो है धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगती है, क्लियर होने लगती है। तो सेफ प्रोडक्ट है, साइड इफेक्ट नहीं है, प्राइस वाइज थोड़ा हाई है, प्राइस जो है थोड़ा सा कम होता तो बेटर होता। सो गाइज आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी से कुछ हेल्प मिली हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।